नमस्कार दोस्तों, प्यारे भाइयों और बहनों। हर आदमी चाहता है बिजनेस करना। आज की तारीख में बहुत से लोग ऐसे चंगुल में फंस जाते हैं कि बाद में पछताना पड़ता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस चीज़ की आपको जानकारी है वो ही काम करना चाहिए। पहले अपनी मार्केट बनाओ, नफे नुकसान का अनुमान लगाओ, फिर मशीन खरीदो। अगर बिना सोचे समझे किसी भी काम में हाथ डालोगे तो ज़िंदगी भर पछताने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं होगा। इस चैनल पर दिखाए गए बिजनेस आइडियाज़ को करने के लिए आप पर कोई दबाव नहीं है। आप अपनी मर्जी से जो चाहें वो बिजनेस कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य आपको नए बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानकारी देना है, ना कि आपका नुकसान पहुंचाना। हम उन सभी बेरोजगार की मदद करना चाहते हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। तो चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। आज की हमारी वीडियो नोटबुक मेकिंग बिजनेस के बारे में है। साथ में इसमें प्रयोग होने वाली मटेरियल, मशीन की जानकारी, मेंटेनेंस के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज़ और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। इससे बनने वाले प्रोडक्ट की मार्केटिंग में के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आज हमारे देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है। दोस्तों, हमारी कोशिश यही है कि हमारे देश का हर नौजवान, चाहे बेरोजगार युवक, महिलाएं, पुरुष, अपना खुद का बिजनेस लगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम नोटबुक बनने की प्रक्रिया देखते हैं। दोस्तों, यह प्रक्रिया 3 स्टेज में होती है, जो 3 अलग-अलग मशीनों में किया जाता है। सबसे पहले इसमें निटिंग मशीन का प्रयोग होता है। पहले पेज को प्रिंटिंग कवर के साथ निटिंग मशीन में रखकर स्टेपल करते हैं। अब मैनुअल मशीन में इसे आप हाथ से या पैर से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें रेंज के मुताबिक कई वैरायटी आती है। निटिंग मशीन में मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मशीन भी आती है। सबसे पहले हम पेज रॉ मटेरियल लेते हैं, जिसको रूल्ड पेपर कहते हैं, जिस पर पहले से ही लाइन खींची रहती है। पेपर में भी कई वैरायटी आती हैं, ये कोरे पेपर के रूप में भी आती हैं। इसमें 3 लाइन भी खींची होती है। दोस्तों, इस पेज की कीमत 40 से लेकर 60 रुपये तक होती है। नोटबुक को पिन से स्टेपल करने के बाद हम दूसरे स्टेप में हम एज स्क्वेयरिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। इस मशीन की कीमत की मदद से हम नोटबुक के एज को एक नए फिनिशिंग देते हैं। दोस्तों, इस मशीन की मदद से हम एक साथ 8 नोटबुक के एज स्क्वेयर कर सकते हैं। आपको सिर्फ नोटबुक को इकट्ठा कर इस मशीन में रखना होता है। यह मशीन अपने आप नोटबुक के एज को स्क्वायर में बदल देती है। आप इस मशीन को घरेलू इलेक्ट्रिसिटी से भी चला सकते हैं। दोस्तों, नोटबुक बनाने की तीसरी और आखिरी प्रक्रिया नोटबुक कटिंग मशीन के माध्यम से किया जाता है। यह मशीन भी घरेलू इलेक्ट्रिसिटी से चल जाती है। सबसे पहले हम नोटबुक को इकट्ठा करके इस मशीन में रखते हैं। कटिंग मशीन में नोटबुक की कटिंग के लिए एक रेड लाइन बनी होती है। उसी लाइन के मुताबिक हमें नोटबुक रखनी होती है। दोस्तों, आप इस मशीन से नोटबुक को एक साथ काट सकते हैं। आप 1 मिनट में 32 नोटबुक तैयार कर सकते हैं। इन तीनों मशीन के रेट आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर से मिल जाएगा। आप इनसे मशीन लेकर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और अगर बात आती है रॉ मटेरियल की, तो वो आपको अपनी सिटी से आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी सिटी से नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर थे, इनसे आप रॉ मटेरियल भी ले सकते हैं। आप जिनसे मशीन लेंगे, वो इंजीनियर भी प्रोवाइड करते हैं, उनसे मशीन की ट्रेनिंग ले सकते हैं। We'll be right back.
मेकिंग मशीन के लिए तीन प्रकार के रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, जिसमें पहला रूल्ड पेपर होता है जिसमें पहले से ही लाइन खींची होती है। दोस्तों ये विभिन्न प्रकार की क्वालिटी के हिसाब से मार्केट में मिलता है, जिनकी कीमत 40 रुपये से लेकर 60 रुपये केजी तक होती है। दोस्तों दूसरा रॉ मटेरियल नोटबुक कवर होता है, जो कि विभिन्न प्रकार की क्वालिटी के हिसाब से मिलता है। इसकी कीमत 80 पैसे से 1 रुपये 20 पैसे तक होती है। तीसरा रॉ मटेरियल तार होता है, जो कि नोटबुक में स्टेपल करने के काम आता है। एक दिन में आप 8,000 नोटबुक तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि नोटबुक की मार्केटिंग कैसे करें। नोटबुक को बेचने के लिए आप अपने नज़दीकी मार्केट की होलसेलर या स्टेशनरी शॉप से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप नोटबुक इंडिया मार्ट साइट पर भी बेच सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। धन्यवाद।